कायमे आले मोहम्मद अल्लाह जल अल्लाह जल या कायमे आले मोहम्मद अल्लाह जल अल्लाह जल बेहक सैयदा तुमने साहिल आलमीन अल्लाहुम्मा सल्लल्ला मोहम्मद व आले मोहम्मद व जल फरज आले मोहम्मद रब्बनी मगलबुन फंतस सैयदा दरकनी बिन हुसैन नारे तकबीर इंतहाई शुक्रिया आवाज़ मुमकिन हो सब थोड़ी देर आगे सुन वाले का मतलब होंगे जरा पढ़ने लगे उन्हें आवाज़ पहुँचाने की जरूरत ना पे 1400 साल पहले जिस वेले ऐलान गदीर के बिच आखिरी बंद तक मन कुंतो की गल पहुँचाई तो फासले फासले तो बंदे खड़े होंगे पुराने दौर की जिमें एक लीड पहुँचती तुम कोशिश करो इतनी ढेर ने आवाज़ इतनी हो कि हर बंद ने समझ आ सके जरा बंदा बादशाह हुसैन के जिक्र नीयत न लाया और यकीन मौकम रखता है कि परवरदगार की नियमत उजमा मारफत मोहम्मद वाले मोहम्मद की शक्ल से वसूल कीजिए फिर जुबान की नियमत का शुक्रिया अदा करने खालिक का नाम इन चाहो कि वज हुला थोड़े मेरे दरास हो नारे तकबीर जो बंदे मजलिस बह के रहमतुल आलमीन की जुबान तो वसूल किया अल्लाह का नाम नहीं चाह सकते या तो रसूल दी नहीं मनते या तो सिर्फ कोई शरारत करने दीन दे विच शरारत 1400 साल पहले भी होंदी रही है तो अज भी होंदी रही बंदे कलमा नबी का पढ़ते हैं नबी की मनते नहीं चलो किसी होर की गल ना करा मैं बुजुर्गों की मौजूदगी करा इत्थे बैठे जिहड़े सारे ने अगर असी सारे नबी की मन जाते अल्लाह दोज़ख बनांदा ही ना थोड़ी खामोशी की कसम है मैं इस जुमले से तुहानू समझावांगा अगर गल दाद अली होई तो बोलना जिस बादशाह का असी कलमा पढ़ते हैं उस बादशाह मैं मेरे बिराली जिक्र से बोलना अल्लाह की इबादत है बेशक इधर पांच बंदे ने बेशक आख्या जिहड़े चुप रहे हो या तुहाडी मेरे ना दुश्मनी या रसूल ना दुश्मनी मैं कह रही जिदा कलमा पढ़ते उस बादशाह मैं अली के जिक्र से बोलना अल्लाह की इबादत है जो चुप करना होंगे मैं चुप अली अरबी पढ़ दिता इंज इंज क्या होंगे इंज इंज की अरबी पढ़ दिता मेरे बादशाह मैं हूँ बोलना इबादत है हूँ जो बोलेगा इबादत तो दी है चुप की इबादत नहीं जे अगली गल तो 100 वारी बंदे इस तो ज़्यादा सीरीयस हो जाए गल तो फिर भी करनी जे असी रसूल का कलमा पढ़ के सैयद रसूल की मन जाते अल्लाह दोज़ख ना बनाता बार बार कह रहे हैं हदीस मैं पढ़ा तर्जमा तुम करना मैं कला परसे क्यों लवा सारे तुहाडे ते भी कोई फतवा लगे बिस्मिल्लाह रहमान रहीम अव्वलन मोहम्मद औसतन मोहम्मद आखरन मोहम्मद वकुलन मोहम्मद तर्जमा तुहाडी जिम्मेदारी साडा पहला भी मोहम्मद जे खांदे अली दा हो तो बोलो साडा पहला भी दरम्यान वाला भी आखिरी भी असी सारे दे सारे हुण तुसीं नहीं बोले माशर दा मैदान होया सरकार दे आलम ने गिरबान च हाथ पा के आख्या जिस वेले मैं आख्या सारे मोहम्मद हाँ तू अलैहि सलाम की बनाएंगे बड़ी मर्जी की बात है जिक्र से बोलना ही बात है मैं मिन्नत नहीं करता किसी की मैं सिर्फ उस बंदे वास्ते पढ़ता जिसका सब कुछ चली है भाई मैंने देखना सर जी सर एक्सक्यूज मी मैं लाइव पढ़ रहा तुम उसे देखी जा रहे हो असं एड्डी दूर लाहौरों छड़ के तुहाडे वास्ते आ गए हैं उन्होंने मेहनत हो गई कबूल हो गई उन्होंने कहने सानू बुला लिया साड़ी भी हो गई तो असं आ गए तुम हूँ चुप बहना तो घर भी बह सकते प्रॉब्लम नहीं अगर कोई नहीं बोल सकता मैं ड्राइवर सामने गड्डी च बिठाया जे तुहानू गड्डी च घर छड़ के आ जांदा जे इबादत चाहे तो बंदा फिर इबादत वास्ते बैठे अमीर उल मोमिनीन फरमाते जब घर से बाहर निकलो जो सामने नजर आए उसको अपने से बेहतर समझो मैं अपनी इज्जत जानना अपनी हैसियत जानना अपनी औकात जानना शायद मखदूम साहब आंदनी तुहाडी नौकरी करा इस काबिल नहीं मौला दे आलम दे हाथ तक मेरी इज्जत भी तुहाडी वजह तो है मेरे को रिज़्क भी तुहाडी वजह तो है हुण जुमला उहदे वास्ते जिहड़ा अली सुन के खुश हुंदा मैं सिर्फ उहदे वास्ते पढ़दा जिहदा सब कुछ अली है अज दूसरा साल हुक्म इन्हां दे तुहाडी ज़ियारत नसीब च सी लिखी गई कर लीजिए जुमला आपके लिए पढ़ूँ बाकी कबूल कर लें आपके चेहरे पर मंगा भी सिर्फ उहदे वास्ते ही है जिहदा सब कुछ अली है सर मुझे देखिएगा जिहदा कुछ कुछ अली है मैं उहनू हाथ ही नहीं मिलांदा मेरी मजबूरी मेरे को बार बार गुस्ले मसे मैयत नहीं हुंदा तुहाडे सीरीयस बंद की कसम है अली दे जिक्र च खुश होना चेहरे ते रौनक रखना पूरी कायनात च अल्लाह ने सिवाए अली दे किसे नू भेजे नहीं जिदा एक बार ना लवो शजरा नहीं दसना पैंदा आप इतने सीरीयस देख रहे हैं आपके लिए दुआ करूंगा अल्लाह मैं आपको जाकर बनाए और एक साल तुसी अपने वर्ग के मजमे च पढ़ो फिर तुहानू लुत्फ आएगा पाछे जुमला पढ़िए
पता नहीं कितनी देर तक कोई ऐसा मजलिस हुसैन दे विच कोई ऐसा जुमला जाकर कोलो जरा आके तुहाडे तक पहुँच जाए जरा आने वाली नस्ल तक काफ़ी रहे। मजलिस से ही है ना फतवा वो दे रहा है तवज्जो है सारे दी। मेरी अगली मजलिस छुट गई जे वो हूँ परचा करान बैन करान वो शहीदा दे सिर ते जी। पहले भी अली पढ़ के असी परचे ले ले कोई गल नहीं शहीदा दे वास्ते एक बैन भी लग जाए तो कड़ी गल है। फतवा वो दे रहा है जिन्हों किसी के घर जाके मुसल्ला और खाके शिफा लैके पूछना पैंदा भाई दसना काबा किहड़े पासे है। क्या बात है सलाम सही जेड़ा बंदा अमल करे बादशाह में एक हाथ ना अमल करे दूजे नूं पता नहीं चलना चाहिए। अज के दौर च अगर कोई किसी ने नेकी करता ना तो अली का शुक्रिया अदा करे कि मालिक साढ़े दिल च वो रहम रखे है तुसी अपना ये मौला दी विलायत दा सदका। अल्लाह दा दीन ते अली तो पूरा हो रहा ते मौलवी कहिंदा इत्थे पढ़ लो इत्थे ना पढ़ो। अच्छा जिहदी कबर च जान मौलवी नहीं छुड़ानी वह ना बोले जिहदी मौला ने छुड़ानी वह लाजम बोले। जुमला वह पढ़न लगा जिहड़ा बंदा सो रहा है मजलिस च सोना वजन इस जिक्र च सोना हराम से जागना। तराजू कैसी शायद जिहदे च बंदा हर शायद रख के बराबर करके वजन कर सकता है तस्दीक करना सही जिन्हों मनते उन्होंने मनना इस गल ना कोई नहीं तकाबुल करते हैं नमाज दा अली नाल। मैं कह रही जी एक पासे नमाज रखना एक पासे अली रखना वजन करके तोलना जिस वेले वजन करके तोलोगे नमाज काबे दी मोहताज नजर आएगी काबा अली का मोहताज नजर आएगा। जे हाथ नहीं जा सके शीए ही बैठे ना थोड़ी हाथ थोड़े नाल हाथ से थोड़ी बहुत हो सके सर फॉर्मेलिटी मजलिस ना आया करो। बंदे ने बादशाह हुसैन दी फूड़ी दी अकीदत दूर करके अपना अकीदा खराब कर दिता। असं बुजुर्गों को सुनने वाहिद हुसैन की मजलिस जिथे 14 तसी फरमाते बंदा मालिक के सामने इंज बहन तो बोलता भी नहीं को जिदा मर्जी चौधरी होवे जिदा मर्जी अमीर होवे अमीर उल मोमिन मन के अमीर होंगे। बाबू जी जुमला फिर वो पढ़ा मैं किसी वास्ते नहीं पढ़ता नहीं अपने वास्ते पढ़ना आप बेटे जो जो बोले सुजू अपनी जिंदगी तो नहीं पूरी जाकरी का अपने नाना जी नासिक हुसैन बी ए साहब शहीद मेंबर नवीद आशिक बी ए साहब थोड़ा नौकर कामरान मेरे बाद मार आशिक अज सारे दी चारा दी जाकिर दा निचोड़ जुमला तुम दे के जा रहे हैं। बंदा साहिब इलम होवे आसमान तक दी किताबां याद कर लवे एडी पगड़ी नहीं एडी वड्डी बल्कि जितना तंबू लगे एडी वड्डी पगड़ी होवे एडी वड्डी पगड़ी होवे जिस बंदे ते गुसल वाजिब हुंदा ना वो अली के फतवा नहीं दे सकदा। चाचा तुहानूं समझ नहीं मैं क्या कीजे जिन्हों नमाज पढ़न तो पहले वजू करना पैंदा ना वो अली दे फतवा नहीं दे सकता। बंदे नूं गैरत होए तो उत्थे ही मर जाए जिदे ते फतवा दे रहा है उहदा आगाज काबा है। सिर लाने वाले बंदे अल्लाह करे मैं तुहानूं आखां चलो मेरे नाल चलो मक्के चलो काबे तों मुँह हटा के परले पासे मुँह करके नमाज पढ़ो तो जिहड़े नमाजी चेहरे मैनूं कहणगे शर्म कर अल्लाह दा घर सामने पहले दसो अल्लाह दा घर तुहानूं दस्सिया कि नहीं मस्जिद अल्लाह दा घर है तो मस्जिद वाले पास मुँह करके नमाज पढ़ लो। वो बंदा सेंसर ने सोचे तो सही कोई बोले बोल बोलने ना बैठा बंदा तो बोले मैंने उन्होंने हुक्म किया मैं आगे मैं उन्होंने बैठक भी सुना सकता सी उतो सुना के न्याज लेके जा सकना न्याज की गल नहीं अगर गल थोड़े तक पहुँचा रहे हैं कोई अली पढ़िया तो उन्होंने बोलिया करो बंदे या अली कहने लगे डरन लग गए आहिस्ता आहिस्ता न रजी अल्लाह से आ जाना जिन्हें अली का खाते वह बोलना मर जाना मर के मुँह अली ने खाना नाले अली दे लड़ना छड़ दे बच्चा इस तरह करके मैं तुहानू उस मालिक सलामत रखे अली दे नाम सुन के जिदे चेहरे ते रौनक आंदी है मालिक उहदी नस्ल आबाद रखे जिदा चेहरा उतरे है मेरे लोग कयामत तक लथे ही रहे तुहाडे नाल ही आती जे जिहड़े नहीं बोले एक मिनट तुहाडे कोल डर के नहीं कर रहा तुहानू बचाउण वास्ते कर रहे हैं नाले अली दे
लड़ना छड़ दे, लड़ना छड़ दे या बिस्मिल्ला पढ़ना छड़ दे। कैमरे वाले भी सही ने बोले यार जी थैंक यू बैठी मैं पढ़ लिया। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद वाल मुहम्मद। मैं बंदे नूं बार बार सलवात दा इस वास्ते तकलीफ नहीं दिंदा। अल्लाह कह रहा मैं पढ़दा, मेरे फरिश्ते पढ़ते ने। ऐ ईमान वालों, ईमान वाले पढ़ लेंदे ने, बेईमान नूं कहिण दी लोड़ नहीं पैंदी। ना उन्हें शीयां नूं बुलाया, ना सुनियां नूं बुलाया, ईमान वाले नूं बुलाया कि ईमान वाले दुरूद पढ़ते ने, ईमान वाले पढ़ते रहते ने। शेर तुहाडे वास्ते पढ़िए, एक हदीस याद आ गई है, तुहाडी खिदमत च पेश करा। सो सर मेरे लिखा मौला जी, मैं साउंड वाले को भी दाद लै लैना, कैमरे को भी लै लैना, तुसी ना दे तुहाडी मर्जी। हदीस तुहानू सुनावा, रिवायत करने वाला कोई आम रावी नहीं, खुद अमीर उल मोमिनीन अपने साहबी नू फरमा रहे हैं। जुमला सुना बाबा जी, जुमला सुना, खुद अमीर उल मोमिनीन अपने साहबी नू फरमाया, या अबू मंजरा फाइन्ना अशका अशकियाकुम मन यसद्दिकुना फिल ज़ाहिरिन व युकज़्ज़िबुना फिल बातिन। बस ना इस कायनात दा वड्डा बदबख्त बंदा वो नहीं जरा चोर डाकू शराबी यज़ानी, बल्कि वह शीआ है जरा जुबान दे नाल साडी तस्दीक करे, दिल च साडे ते शक करे। तुसी चुप कर गए हो, तुहाडी क्या बात है? फिर मैनू बुलाना से थोड़ा जे बोलना पैना जे। मैं रोटी नहीं खाता, दाद ज़्यादा लेना। पढ़ते ही दाद दे सिर ते आ, पढ़ते ही गली वाले वास्ते आ, जिदा चेहरा उतर रहा है सारी जिंदगी लथे मूँह नाल रवे, अली दे नाम सुन के जिदे चेहरे ते रौनक है, मालिक नसल आबाद रवे। शेर सुनना जे, काबा वी ते नाले अली दे लड़ना छड़ दे। भजन भाई जी कोई गल नहीं, खैर मैं नौकर थोड़ा कैमरा सामने मेरे गत काफ़ी है, बस लाइव मेरी बस बंद कर देना, लाइव इन्हें चला देना। एक सीधा सिर्फ तुम कट्ठे करना सर। बाबू जी मैं हूँ मेरे को सवेरे तक सुनो, अगे कितने जाने नहीं होना, अगली रह गई जी। बादशाह अगले अगले हूँ सही नौकर, सही नौकर 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 चलिए हुक्म तमील करिए। बारह पढ़ी या रसूल अल्लाह हैदरी अल्लाहुम्मा सल्लल्लाहु मुहम्मद व आल मुहम्मद वजल फरजान। बादशाह अज तुहानू फिर चलो जिस बादशाह तुसी ना लरे साडी औकात नहीं कैसी, जिन्हें अली नू कमाल दे मन्ने ना वो दुनिया ते कमाल ही हो। उस दिन नालायन दी ज़ियारत करके बंदा रिज़्क़ के मारफत मिले तो मिल जाए, यही बड़ी गल। चलो तुसी हुक्म किया जिस बादशाह ना रहे हो, अगर तुसी उन्हां दी नसल चो लो फिर नौकर से गल करना। मैनू कोई शह नहीं चाहिए, ना मैनू जिंदगी ढेर चाहिए, ना मैनू इज्जत ढेर चाहिए, ना बड़ियां गड्डियां। बस एक दुआ करना, आखिरी साम ही होवे ते अली वाजिब पढ़िए। इस तरह चेहरे ना तुसी नामी आमीन आखोगे ते कड़ी कबूल होनी है सर जी। चेहरे ते रौनक अली दे नाम सुन के चेहरे ते रौनक रखा करो। बादशाह बंदे ने इंज बोलिया कोल अली दे जिक्र च, दूरों बंदे इशारा करके खन यार वो बैठा अली वाला। सर नवी गल बादशाह सुनाइए, मिजाज हर बंदे का वखरा होंदा। मैं कहना कि मेरे मिजाज नरल होगी तो फिर लुत्फ आएगा। मैं सुनाना तुहानू जनाबे सैयदा सी, लाइव मेरी बंद कर देना मेहरबानी। तुसी हुण ईमान तुहाडे नाल जी तुहाडा, मैं नहीं जानता कि कौन है हिजाब अल्लाह। हिजाब अल्लाह अल्लाह का पर्दा, जेरे खामोश हो तुहाडे कुर्बान जावां। आदम दे पुत्र जो मर्जी कर लैन, मासूमीन दी शान बर्दाश्त नहीं कर सकदे, चूंकि जानते ही नहीं असी। जिन्हें गल कर रहे हैं, काश मेरी जिंदगी उस दौर च होंगी तो सामने बहुत मैं जनाबे सईदा सुना और फिर मैं खैरात लेंदा, इस दुनिया के खजाने उन्होंने को लैके जाता। कौन है जनाबे सईदा जिदी चादर च बेवजूद भी मुतमइन है? अच्छा बाबू जी तेने बुजुर्ग तो सी फरमाओ सरकार, तुम ढेर लोग सुने
कमाल कमाल लोग मदा खान मौला दे चले गए। सैयद जनाब सैयद है तुहाडा नौकर पढ़न लगा जी, एक बंदा उस मियार ते खैरात दे दे मैं राजी हूँ, मैं सिर्फ तुहानू देख के पढ़े जी, तुसी ना बैठे होंगे शायद मैं ना पढ़ता, शायद मैं कोई दूसरे कसीदे पढ़ के जाता। कसीदा वो जो मालिका की शान है, मरहब नू लम्या पास साडी फरमाइश ते, एक कसीदा नहीं एक ख्वाहिश होंदी जी। इहदे बाद तुहानू फिर नात भी सुनावांगा। जनाबे फिजा पाक सलवातुल्लाह अलैहा, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद, स्कीम है उन्हां दी जिहड़े अली नूं सोचदे ने जिन्हां नूं तुसीं मुकसर आखदे हो, इस स्कीम है उन्हां दी कि ऐसियां गल्लां फैलाओ जिस मालकां दी शान घट होवे। कुरबान जावां जिस दरवाजे ते रहमतुल आलमीन आयत तहीर पढ़दे ने उस घर च दुनिया दा रौला जा सकदी। कौन है जनाबे फिजा? अज तक बंदियां नूं सैयद ही नहीं पता चलिया उन्हूं अलैहि सलाम कहना कि रज़ी अल्लाह कहना, तो ना वो दी समझ आ रही है। एक रुबाई जी तुम्हें सिखा दें किसी फकीर को सुनी, क्या बात है। पूछा जनाबे सलमान ने, कौन जी? अली दा सलमान है, अल्लाह दा सलमान, एक नबी सुलेमान, एक अली दा सलमान। दलीज़े बतूल ते सजदे पूरे कर रहे हैं, सजदे कबूल करा रहे हैं, दाढ़ी नल बुहारी नहीं, सजदे कर रहे हैं। या अचानक दखल बाब कर लग गई, अंदरों आवाज़ आई, क्या चाहना है? हाथ जोड़ के कहा बीबी मैं जो अहकाम मिलता है तुहाडे तो मिलता है, मेरा दिल चाह रहा है मैं जानना कि मेरी क्या शान है तुहाडी क्या शान है। हजे गल कर रहे हैं, हुन चेहरा बिगड़े तो सोवरी बिगड़े, गल तो मैं जी करना है। वजहुल्ला ने फिर पहला अल्लाह वाला कदम सेने तो ही चुबार रखे, तो सलमान ने पैर से बोसा देखे, हाथ जोड़ के मौला से सिर्फ अपनी शान का पूछ रहे असी कि मेरी कितनी है, चुके ये बीबी इस घर की नौकरानी। अली मुस्कुरा फरमाया हुन पूछी आईने ने पूछी, तू जो चाहे सलमान ऐसे लखा जहान बना सकता है, फिर जो चाहे तेरे लगे करोड़ों सलमान बना सकता है। वैसे मैं पहले रखे मैं थोड़े हस्ते पढ़ा, मैं नहीं पता कमजोर मेरे अलग किड़के बैठे सजदा करके जनाब सलमान आके बीबी मैं एक ते मार्फत दियो बीबी मैं आज दसावा दरे बतूल के नलायने पाक के सदके में खुदा के अर्ज के राजन नियाज पढ़ती हूँ, ये शर्त मेरे सिवा कब किसी को हासिल है, मैं बतूल के पीछे नमाज पढ़ती हूँ। बाड़ी क्या बात, सलाम है नसल बात सच बहुत मेहरबानी बस मेहरबानी। उस बीबी ने तारुफ पूछा, इन्हें खोल पिछले साल दिता है, मैं मिम्बर तो कर नहीं सकता, खोल पिछले साल दिता, चलो मैं वही सुना दिया, सुनाने नवे वाला सी, नवे वाले जरा मेरा होर खराब हो जाता बंदे का, पुराने ने चेक कर ली पहले। जिन्हें फिजा ने हाथ जोड़ के पूछे बीबी तुम्हें दसिया मेरा बाबा रहमतुल आलमीन, बीबी तुम्हें दसिया मेरा शौहर वजहुल्ला, बीबी तुम्हें दसिया मेरे बच्चे जन्नत के सरदार ने, गल समझ आ रही है तो इंज नहीं कर देना बीबी, अज तक तुहाडा तारुफ किसी ने नहीं कराया, बस जुमला सुना इजाजत है, तुहाडा तारुफ किसी नहीं कराया बीबी, आख्या अड सवा ज़हरा का तारुफ भी ज़हरा ही कराए। सलाम है भाई मुझा शाह जी, मैं नहीं जानता कि मेरी जिंदगी कितनी है, लेकिन जो साइया ने मेरे को पढ़वाता है मैं मुतमिन अपनी पूरी जिंदगी से, तुहाडे को दुआ लैके मुतमिना, तुहाडे बिरावां दी बुजुर्गां दी ज़ियारत करके मुतमिना, मालिक इन्हां बेटियां दा नसीब ने करे, ज़ाकरी मन सब बाप दा हुंदा उस वाले के। ज़हरा का तारुफ भी ज़हरा ही कराएगी, हरफों की गवाही में तौहीद समाएगी। क्या बात है, अंजील की मस्जिद में कुरान से जिक्र है, अंजील की मस्जिद में कुरान का काबा हूँ, सिदरा मेरी चौखट की तहजीब बताए। बादशाह जितनी खैरात तुसी दे रहे हो करोड़, जेरे पीछे बैठे हो सर अल्लाह मियाँ तुहाडा फोन आईफोन 14 मैक्स प्रो कर दे, एडा महंगा होवे तुसीं घरों ही ना लैके निकलो, मैं एड्डी महंगी दवा दी फोन थले रखो, मैं तुहानू वट्सअप कर देंगा, मैंने दाद देना मेहरबानी, फोन यानी थले इसका मतलब थले कर लेंगे, वीडियो ना बनाना क्या कहने तुहाडे। शेर सुनना जी, एक भी बंदा खराब दे काफ़ी, जिन्हें मैं फिजा पाक सलाह तुला हज क्या भी मैं यकीन जानती नहीं हाँ तुहाडी मार्फत तो बीबी, एक मैं गौर किया, एक दौर च एक सितारे ने तुहाडी दहलीज़ से सजदा किया,
बीवी तुसी कुछ अल्फाज अपनी जुबान मुबारक चो अदा किए ने कायनात की तस्वीर बन गई। मेहरबानी बादशाह बीवी मैंने अज तक यह नहीं पता चलिया तुसी कि तस्वीर कर दी गुड हो दाद नहीं तो याली याली भी देख रहे आ तंड सावा मैं अपनी भी तस्वीर में बस खुद को ही पढ़ती हूँ करनी खुदा से बात हो तो खुद से ही करती नौकर बादशाह बादशाह नौकर मैं अपनी भी तस्बीह में बस खुद को ही पढ़ती हूँ करनी खुदा से बात हो तो खुद से ही करती हूँ कुछ ऐसे मैं खालिक की सिफतों में उतरती हूँ तू देख के भी मुझको पहचान न पाएगी बादशाह मेहरबानी मैंने तुसी अंदर बैठक से बिठा के सुन लेना इन्हों पूछना थक जाओ तो मैं दस दिन मैं छड़ देंगा मैं बोझ नहीं बनता मैं अली पढ़ के जाया नहीं करता बंदे शेर सुनना जी एक होर शेर की कोशिश करिए जिन्हें मैं फिजा पाक सला तुला हाथ जुड़ के भी मैं कई बार थोड़ा मुसल्ला वेखदी हाँ इबादत की आवाज़ भी आती है लेकिन बीबी मैं अज तक थोड़े चेहरे तो वाकफ ही नहीं हाँ ये दलीज के अंदर रही जनाब फिजा जी एक वक्त का खाना भी बना रही है जे चुप ने बंदा इन्होंने पूछे किसी नबी की हद ही बनाई रोटी अल्लाह ने आसमान से बुला के आए तो भेजिए एदियाँ गई ने सिर चाहना बीबी देख के आख्या सैन मैं जान दी थोड़े चेहरे तो वाकफ नहीं बाबू जी बीबी देख के आखिया मेरी भैन तेरा सोचा ना कर मैंने ही तो गायब में वहादत को मकी देखा मेरी निगाह ने भी मेरे चेहरे को नहीं देखा ठीक है बात मालिक पाक तुम सलाम आली के सैन थोड़ी इज्जत इजाफा करें थोड़े नाल ही है चलो छे ढेर ने फिर कभी थोड़ा मूड होया तो पूरा सुनावगा अच्छा जी मैं थोड़े वास्ते मुकम्मल कर लें साईं रुबाई मैं ही सुना देंगा तुम्हें अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद वाले हुन अच्छा या तो या ही आख्या करो या मैं खत्म कुरान का सवाब नहीं लेना होंगे तो बाहर चले जाया करो सरदार मैं बंदे देखना ये सारे अपने अपनी शिया भी कहते हैं अली का नाम लिया खत्म कुरान का सवाब है एक एक सुपारा फड़ाना मखदूम सा तो बंद चार घंटे ला के सुपारा नहीं मुकर गैस नहीं बैठी है लो फिर थोड़ी दुआ सद के फिर इन्हें गैस पूरी करिए अच्छे थोड़े जैसे बंद पढ़ते हैं थोड़ी वजह तो इज्जत है जुमला इन्होंने उठ के आख्या रुबाई तो मैं इन्होंने वास्ते पढ़ते हैं पूछा किसी फकीर से रुतबा जो सैयदा का अच्छा पूछा किसी फकीर से रुतबा जो सैयदा का सर को झुका के बोला कि अल्लाह नहीं हूँ मैं वाकई गैस चढ़ी जी मैं कह जी पूछा किसी फकीर से रुतबा जो सैयदा का ओ को कह रहे सर को झुका के बोला कि अल्लाह नहीं हूँ मैं सुबह अल्लाह मैं दाद देंगा वाह 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 एड्डा चुप कर ज़्यादा तो परेशान नहीं करना लेकिन अली पढ़ा तो दुश्मन तकलीफ ना हो तो फिर यह भी फायदा कोई ना जी कसीदा सुनना जी बंदे नमाज पढ़ देने जी अल्लाह अकबर इतने ले देखे जी कभी जी मैं देखे जी मैं सऊदी जाके देखे जी दूजे ने जी अल्लाह अकबर इतने थोड़ी बारी भी आई अल्लाह अकबर सुबह शाम काबे के नूर ने सुबह शाम काबे के नूर ने सुबह
शाम का के नूर ने ऐ अली तुम्हारे ज़हूर ने ऐ अली तुम्हारे ज़हूर ने मुझे एक नमाजी बना दिया 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 अगली गल थोड़ी आस्ते जिन्हें सिरा उतरते मेरे लोग सौ बरी तरह मैं जिन्हें बादशाह को दुआ लेके मोर मारने हैं वो लाएंगे सुबह शाम काबे के नूर ने सुबह शाम काबे के नूर ने ऐ अली तुम्हारे ज़हूर ने ऐ अली तुम्हारे ज़हूर ने मुझे एक नमाजी बना दिया मुझे एक नमाजी बना दिया मैं खुदा को ढूंढने निकला था मालिक तुम सलाम रखे जी जिंदाबाद है जी अली के चेहरे ते नाज रौनक आवे जिदे चेहरे ते अली ते नाज सुन के रौनक आवे और वही बच्चे कामयाब होंगे ने जिहड़े अपने वालदैन नूं रब मनदे ने अल्लाह ने कुरान ने मजीद विच वालदैन नूं इज्जत ना बुलाया ते रब क्या है ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਸਰ ਜੀ ਉਹੀ ਬੱਚੇ ਦੁਨੀਆਂ 'ਤੇ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਵਾਲਦਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਤਸਲੀਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਰੱਬ ਦੀ ਮਾਰਫਤ ਨਾ ਹੋਵੇ ਰੱਬੁਲ ਆਲਮੀਨ ਦੀ ਕਿਆ ਮਾਰਫਤ ਹੋਵੇ ਜੀ ਸ਼ੇਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਪੜ੍ਹੀਏ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਚੁੱਪ ਹੋ ਅੱਲਾਹ ਕਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ 1400 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਕੋਈ ਵਾਕਫ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛੀ ਭਾਈ ਦੱਸ ਨਾ ਮਿਰਾਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕੌਣ ਗਿਆ ਸੀ ਮਿਰਾਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕੌਣ ਗਿਆ ਸੀ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿੰਨੇ ਨਾ ਕੋਈ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਨਾ ਕੋਈ ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ ਗਰਮੀਆਂ ਬਿਸਤਰ ਕਾਇਮ ਰਹੀ ਵਜ਼ੂ ਕਾ ਪਾਣੀ ਚਲਦਾ ਰਹਾ ਕੁੰਡੀ ਹਲਦੀ ਰਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਖਮੋਸ਼ੀ ਦੀ ਕਿਸਮ ਹੈ 120 ਮੇਰਾ ਜਨਾਬ ਸਰਵੇ ਕੇ ਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਅਲੀ ਮੈਂ ਅਮੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ 'ਚ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਮਾਤਮੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਜਾ ਕਰੇ ਮੇਰੇ ਮੌਲਾ ਨਾ ਕੋਈ ਪੁੱਛਣ ਨਾ ਲਈ ਨਾ ਕੋਈ ਦੱਸਣ ਨਾ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਰਾਜ ਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖਦੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸੀਏ ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇਰਾ ਮੁਸਤਫਾ ਸੇ ਹਿਜਾਬ ਕਿਉਂ ਤੇਰਾ ਮੁਸਤਫਾ ਸੇ ਹਿਜਾਬ ਮੁਸਤਫਾ ਸੇ ਹਿਜਾਬ ਕਿਉਂ ਮੁਸਤਫਾ ਸੇ ਹਿਜਾਬ ਕਿਉਂ ਤੂੰ ਖੁਦਾ ਨਹੀਂ ਤੋ ਸਵਾਬ ਕਿਉਂ ਤੂੰ ਖੁਦਾ ਨਹੀਂ ਤੋ ਸਵਾਬ ਕਿਉਂ ਤੂੰ ਖੁਦਾ ਨਹੀਂ ਤੋ ਸਵਾਬ ਕਿਉਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਅੱਲਾ ਨਬੀ ਮੈਂ ਤੀ ਮੁਲਾਕਾਤ रहमत ने वहादत से मिल न था तूने हाथ अपना मिला दिया रहमत वहादत सलामे नजर बादशाह तोड़ी तोड़ी जी मौला इंतहाई शुक्रिया इंतहाई शुक्रिया मालिक तुहानू सलामत रखे अच्छा जेरे बंद नौकर सर तुहाडे क्या कहने मौला जी तुसीं आप कमाल हो सही जिक्र कमाल ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਮੂੰਹ ਦਾਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਉਹ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਦੇ ਦਿਓ ਚਲੋ ਤੁਹਾਡੀ ਕਬੂਲ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਸੀਰੀਅਸ ਹੈ ਨਾ ਬੈਠੋ ਕੋਈ ਇਬਾਦਤ ਕਰੋ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਦਾਤ ਹੋਈ ਮੂੰਹ ਬੋਲੋ ਇੱਕ ਨਾਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਈਏ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਤ ਸੁਣਾਵਾਂ ਸਰਕਾਰ ਆ ਕਹਿੰਦਾ ਚਲੋ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ 5 ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਪੜਾ ਨਾਤ ਸੁਣਨੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਰ ਢੇਰ ਨੇ ਮੈਂ ਛੱਡਿਆ ਸੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਏ ਕੁਆਲਿਟੀ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਜਾਏ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਬੰਦੇ ਨਾਤ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਨਾਤ ਹੁੰਦੀ ਸਰਕਾਰੇ ਦੋ ਆਲਮ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਬਿਆਨ ਕਰਨਾ ਇਤਨੇ ਢੇਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਅਗਰ ਤਵੱਜੋ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਯਕੀਨ ਦਿਲ 'ਚ ਉਤਰੇਗੀ ਗੱਲ ਅੱਛਾ ਜੀ ਚਲੋ ਨਾਤ ਦੇ 5 ਸ਼ੇਰ ਪੜ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਕਸੀਦੇ ਦੇ 5 ਪੜ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਪੜ੍ਹਾਂਗਾ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਤਵੀਲ ਕਰਾਂਗਾ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਦਾਤ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਨੀ ਹੈ ਅਜੇ ਚੁੱਪ ਨੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਮੰਨੀ ਨਹੀਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨਾਤ ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗਾ सरकार दो आलम रहमतुल आलमीन नूर तौहीद महबूब तौहीद जिस बादशाह की जुबान पर मोहर लगी वमा यंत को निला हवा इन हवा इल्ला वही नहीं हुआ मेरे नबी तब तक नुत्क नहीं करता जब तक मैं अल्लाह ना चाहूँ
ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬੋਲਿਓ। ਅੱਲਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੇਰਾ ਨਬੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਬੋਲਦਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਸਰਕਾਰੇ ਦੁਆਲਮ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੂੰ ਵਰਨ ਕਦੀ ਜੁੰਬਿਸ਼ ਦਿੱਤੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ, ਉਹ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਰਸੂਲ ਬੋਲੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਉਸੇ ਤੋਹੀਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਚ ਫਰਮਾਇਆ, ਅਵਲ ਮਾਂ ਖਲਕ ਅੱਲਾ ਹੁਨਰੀ, ਖਾਲਿਕ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੁਝੇ ਮੁਹੰਮਦ ਦਾ ਨੂਰ ਖਲਕ ਕੀਤਾ, ਡੰਡੀ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ 1400 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਮਾਰੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਨਾ ਵਾਲੀ ਮੈਨੂੰ ਨੂਰ ਵਾਹਿਦ, ਮੇਰਾ ਮੇਰੇ ਵਿਰਾਲੀ ਦਾ ਨੂਰ ਇੱਕ। ਹੁਣ ਇਹ ਰਸੂਲ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਖਮੋਸ਼ੀ ਦੀ ਕਸਮ, ਇਤਨੇ ਢੇਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਹਜ਼ੂਰ, ਮੈਂ ਤਕਰੀਬਨ 4 ਸਾਲ ਮਦਰਸੇ ਪੜ੍ਹਦਾ ਰਿਹਾ। ਮੇਰੇ ਨਾਨਾ ਜੀ ਨਾਸ਼ਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਮੈਂ ਮੌਲਵੀ ਬਣਾ, ਬਸ ਸੈਦ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਖਾਧਾ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਮੌਲਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਨਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਲਮ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਬਿਆਨ ਕਰਨਾ, ਬੰਦੇ ਨੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਨਾਤ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਕੋਈ ਸੁੰਨੀ ਭਾਈ ਬੈਠਾ ਸਾਈਆਂ ਦਾ ਮੁਰੀਦ ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਪਾਸੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤਵੱਜੋ ਕਰੇ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਨਾਤ ਰਸੂਲ ਮਕਬੂਲ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ, ਨਾਤ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾਹ ਵਾਸਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਜਨਾਬੇ ਇਬਰਾਹੀਮ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਨਾਤ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ, ਤਵੱਜੋ ਹੈ, ਜਨਾਬੇ ਨੂਹ ਨਬੀ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਨਾਤ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ, ਨਾਤ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੁਆਲਮ ਵਾਸਤੇ, ਕਸੀਦਾ ਅਮੀਰ ਮੋਮਿਨ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਹਮਦ ਅੱਲਾਹ ਵਾਸਤੇ। ਹੁਣ ਜੁਮਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦੁਆ ਲਈ, ਇਹ ਕਸੀਦਾ ਬੰਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ, ਨਾਤ ਈਸਾ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਔਰ ਹਮਦ ਵਜੂਦ ਵਾਲੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਨਾਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਵਾਂ, ਫੈਸਲਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਚਾਚੀ ਦੇਖਣਾ ਜੀ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਨਾਤ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ, ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕੀ ਨਾ ਕੀਤਾ ਯਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਯਾਰ ਵਾਸਤੇ, ਰੱਬ ਮਹਿਫਲਾਂ ਸਜਾਈਆਂ ਨੇ ਖਮੋਸ਼ ਬੰਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਸਰਕਾਰ ਵਾਸਤੇ। ਅੱਛਾ ਸਰਕਾਰ ਵਾਸਤੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੁੱਪ ਰਹਿੰਦੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹਦਾ ਕਲਮਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਉਹਦੀ ਕਸਮ ਖਾ ਕੇ ਦੱਸੋ, ਇਹਦੀ 'ਚ ਰਸੂਲ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਨਜ਼ਰ ਆਈ? ਬੋਲੋ ਚਾਚਾ ਜੀ, ਆਈ ਨਜ਼ਰ? ਨਹੀਂ ਨਾ ਆਈ, ਬੋਲੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਦੀਨੇ ਦੀਆਂ ਪਾਕ ਗਲੀਆਂ, ਉਹ ਬੇਸ਼ੱਕ ਹੈ ਨੇ ਭਾਈ, ਮਦੀਨੇ ਦੀਆਂ ਪਾਕ ਗਲੀਆਂ, ਰਸੂਲ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਕਿੱਥੇ ਤੇ? ਗੱਲ ਤਾਂ ਰਸੂਲ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਦੀ ਹੈ, ਨਾਤ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਨਾਤ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਤੇਰੀ ਬੱਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਵਾਂਗੀ ਮੈਂ ਚਾਰਾ, ਪਲੀਜ਼ ਹਲੀਮਾ ਮੈਨੂੰ ਨਾਲ ਰੱਖ ਲੈ। ਇਹਦੇ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਰਸੂਲ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਜਨਾਬੇ ਹਲੀਮਾ ਕਾਇਨਾਤ ਤੋਂ ਇੱਜ਼ਤਦਾਰ ਮਸਤੂਰ ਹੋ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਨਾਤ ਨਹੀਂ, ਬੰਦੇ ਨਾਤ ਕਹਿ ਕੇ ਪੁਚਾਈਏ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਤ ਪੜ੍ਹੇ, ਤੇਰੀ ਖਮੋਸ਼ੀ ਦੀ ਕਸਮ ਸੁਣਿਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਤ ਪੜ੍ਹੇ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਆਕਾ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖੀਆਂ ਮਦੀਨੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਈਆਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਸੋਹਣਿਆ, ਸਾਰੇ ਲੈਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆ ਗਏ। ਇੱਧਰੋ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਮੇਰੇ ਮੌਲਾ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਰੱਬੀ ਲੈਵਲ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਐਲੇ ਸੁਨਤ ਕੋ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਮੇਰੇ ਤੇ FIR ਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਕਰਾਈ, ਸੁਣੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਰਾਈ। 14 ਪਰਚੇ 14 ਦੇ ਸਦਕੇ ਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਕਰਾਏ ਨੇ, ਸੁਣੀਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ 72 ਵਾਲੀ ਦੁਆ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਰਿਹਾ, ਤਵੱਜੋ ਕਰਨਾ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤੁਹਾਡੀ ਦੁਆ ਚਾਹੀਦੀ, ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨੌਕਰ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗਾ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਖਰਾਬ ਦੇ ਦੇਵੇ। ਮੌਲਾ ਹੁਸੈਨ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਨਾਲ ਲੈਂਦੀ ਕਸਮ, ਦੋ ਅਲਮਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਖਲੋ ਕੇ ਕਸਮ ਚਾਰੇ, ਲਾ ਇਲਾਹਾ ਇਲਾ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲ ਅਲੀ ਨਵਲੀ ਵਲਾ ਵਸੀਰ ਰਸੂਲ ਵ ਖਲੀਫਾ ਤੋ ਬਿਲਾ। ਮੈਂ ਕਲਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪੜਿਆ, ਹਾਂ ਬੰਦੇ ਕਾਫਰ ਕਾਫਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਚੇਂਜ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਕਲਮਾ ਦੀ ਕਸਮ ਖਾ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਰੱਬੀ ਲੈਵਲ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੁਣੀ ਵਿਰਾਵਾਂ ਕੋ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਉਹ ਦਾਦ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਦਾਦ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸ਼ਾਇਦ ਦਿਓ, ਰਹਿਮਤੁਲ ਆਲਮੀਨ ਖੁਦ ਆਪਣੀ ਨਾਤ ਪਾੜੇ ਨੇ, ਮੁਝੇ ਮੇਰੀ ਰਹਿਮਤ ਕਾ ਯੇ ਆਸਰਾ ਹੈ, ਮੁਝੇ ਮੇਰੀ ਰਹਿਮਤ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਆਸਰਾ ਹੈ, ਮੁਝੇ ਮੇਰੀ ਰਹਿਮਤ ਕਾ ਯੇ ਆਸਰਾ ਹੈ, ਮੁਝੇ ਮੇਰੀ ਰਹਿਮਤ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਸ਼ਿਕ ਰਸੂਲ ਮੰਨਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਰੇੜੀ ਤੋਂ ਕੇਲੇ ਖਾਣ ਵਾਲਾ ਆਸ਼ਿਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਸੁਣਿਆ, ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਦੁਆ ਮੰਗਦਾ, ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕਰਮ ਹੋਏਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ। ਮੁਝੇ ਮੇਰੀ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਾਂ ਨੇ 99 99, ਹੁਣ ਗੌਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਤਸਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਦੁਆ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲੈਣ ਲੱਗਾ ਜਿੰਦੇ ਤੋਂ ਪਾੜੇ ਹੈ ਖੁਦਾ ਮੇਰੀ ਖਾਤਿਰ ਅਲੀ ਹੋ ਗਿਆ ਮਾਲੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖੇ। ਚਲੋ ਜਦੋਂ ਪਹੁੰਚੋ ਨਾਤ ਤੱਕ, ਨਾਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ,
अल्लाह अकबर नारे रिसालत या रसूलल्लाह नारे हैदरी या अली थोड़े इज्जत पूरे कर रहे हो इन्हें नहीं मारना क्यों जाया कर रहे और जिन रसूल ते अली नहीं मनिया थोड़े मेरे ते ना मनन केड़ा फर्क पैना जी शेर सुनना जी एक साहब सामने आके हाथ जोड़ के या रसूलल्लाह बादशाह थोड़े साया ही नहीं है अजी देखिएगा थोड़ा साया ही कोई नहीं बादशाह थोड़ा साया ही नहीं है जिस बार बरखे थोड़ा साया ही कोई नहीं रिसालत में मुसरा के ना आतन सावा जमीन पर खुदा पहले ये बारे इला है या सल्ले अला है ये भी काफी है मेहरबानी रौनक चेहरे ते रौनक वाली ये भी दाद होंदी जी पर सीरियस होना चंगा नहीं जी बाकी कभी नहीं एक शेर और तुहाड़ी सलामती वास्ते इन्हां दी सलामती वास्ते तुहाड़ी नस्लां च बादशाही विलायत कायम रहने वास्ते ते दाद भी उसने देनी है जिहड़ा रसूल दा आशिक है जी इश्क नजर आए तो पता लगता ना है किनू कि इश्क तवज्जो करनी जे एक साहब जी सामने कहते यार रसूलल्लाह मेरे बादशाह थोड़े तो पहले एक नबी गुजरे है उसकी उम्मत उन्होंने कहती सी अल्लाह का बेटा सन ऑफ गॉड अल्लाह का बेटा अल्लाह का बेटा अल्लाह का बेटा हैरान ना हो मैं दस देना सरकार द्वारा मुस्कुराए ने इस साहब जी बस दे कहना आ टंडे साहब हाँ हकीकत को मेरी अगर जान लेता वो ईसा भी मुझको खुदा मान लेता अजय नहीं बोले तुम रसूल दी शान दा पता जे नहीं जानते आओ तुम मुकम्मल करके दबा चल रहे हकीकत को मेरी अगर जान लेता वो ईसा भी मुझको खुदा मान लेता जिसे तुमने बेटा खुदा का कहा है जिसे तुमने बेटा खुदा का कहा है वो अपने महादी के पीछे खड़ा है यो क्या बात है सरदार थोड़ी क्या बात है मालिक थोड़े शायद हम सही मेहरबानी बादशाह मेहरबान तबीयत रली में थोड़ा वक्त जाया कर रहे हैं एक हुक्म की तमील कर दे बादशाह दी मौला जी मैं बंदे की फरमाइश तो पढ़ ला उन तो मैं जानता ही नहीं इतने इस वास्ते आना तो इतने विलायत सुनी जाती है हम जो विलायत है तो मैं आया मैं इन्होंने देख के आना जी जो सीरियस ने मेरे लो सारी जिंदगी सीरियस रहे हाँ ते आखे मैनू जन्नत दी ख्वाहिश बड़ी 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 एक बुजारत पेश करे ना दुनिया दे विच रहके एक बुजारत पेश करे ना दुनिया दे विच रहके कौन है जेड़ा दोजख दे दरवाजे उत्ते बैठे ते आखे मैनू जन्नत दी दुनियादारा पीछे लगे धोखे दे विच आके दुनियादारा पीछे लगे धोखे दे विच आके जेरे दीन जबानी औलादी कदर न जानी ते कीती ना फरमानी है गलती हैरानी दुश्मन आ रसूल दबले पकड़ी उतो लेके दुश्मन आ रसूल दबले पकड़ी उतो लेके जिन्ना दे कुल जन्नत ने ओना दे पैरी बेके ते आखे मैनू जन्नत दी ख्वाहिश बड़ी कुर्बान जावां तुहाडे ना उहनां दा नहीं लै रिहा जुमेरात नु जिन्हां दे नाल लैके छान बुरा नहीं मिलदा जिंदाबाद जाकर कोई नहीं आया जी किबला नहीं पढ़ना बस माशाल्लाह।
सही थोड़ी क्या बात है। एक शेर होर तुहानू सुना दें, मैं तो कोशिश कर रहा कि सारे बोल पड़न, मैं एक काफिला सारा ही करबला जाए। हम सही तो आमीन कहिए जिन्होंने को बलायत सुना कि दाल लै रहे हैं दुआ लै रहे हैं। हूँ जो नहीं जाना चाहते उन्हें तो नहीं बोल रहे तो उन्होंने बार्डर भी फड़े जाने, तो जिन्हें करबला जाना उन्होंने वास्ते गल कर रहे हैं। भावें रसूल दियाँ 100 बेटियां आखो 200 आखो 1000 आखो राजी तोड़े तो एक भी नहीं गई। बाबा जी 1400 साल तो पुरअमन एहतजाज कर रहे हैं सारी जिंदगी दुश्मन लेके थे आखे मैनू दे जट दी ख्वाहिश बड़ी जिंदाबाद सही मेहरबानी। बाद से पढ़ने लगा मैं आपको सीधा पढ़ने लगा ए, मैं 110 नियाज का इंतजार उन्होंने कर रहे थे क्योंकि मैंने आंदा ही क्या जी हूँ मैं मुकर्र करा जी तुम मुकर्र एक बार रल के नारा सुना दे बस जी ओ हाँ गल जी फरिश्ते दर्दे नौकर जेंदे घर विच पाक मोहम्मद आली इजाजत लेके जेंदे घर विच पाक मोहम्मद आली इजाजत लेके ओसे पाक बतूल दा सारी जिंदगी दुश्मन लेके ते आखे मैनू जन्नत दी ख्वाहिश बड़ी। तुसी हुक्म कीता सी दोबारा दी जेरे भाई दूर बाईपास ते खड़े ने मेरे दिल तुहानू शहर च करना हुसैन जवान ने जन्नत सरदार हसनैन जवान ने जन्नत सरदार बाबू जी मेरे नाना जान आशिक बी साहब बिस्मिल्लाह साहब वो पढ़ते हैं किसी बुढ़े उत्थे नहीं बहना उत्थे थुकन की थान नहीं होनी थोड़ी क्या बात है। और रीश मुबारक खुशी जनाब सरबरे कहना दी जनाब इब्राहिम अलैहि सलाम दी। अच्छा परेशान ना हो बच्चा तो बंदर शरारत ना करे समझो बीमार है दुआ करो वो बुढ़ा शरारत ना कर दे। हसनैन जवान ने जन्नत सरदार जन्नत दे वसनीक जवाना दा सरदार हुसैन जन्नत दे वसनीक जवाना दा सरदार हुसैन माए दी कोनैन दी मलका खुल्द बरी हुसैन माए दी कोनैन दी मलका खुल्द बरी हुसैन नाना शाफी मार्शल ते प्यू तकदीर ते कादर फिर आप तंदा दिलबर ते आप खुदा दा नासर जैंदा गोला बड़े मोहम्मद हसन दा विच लेके जैंदा गोला साड़ी क्या बात चलो अली से लाइव एक लफ्ज बदल के पाड़े हैं जी लाइव बंद ना अगर कोई एक लफ्ज बदल अल्लाह हू अकबर छोटा शॉर्ट ना मारो दे या रसूल अल्लाह या अली या अली बंदे मौला दी कसम सुनना जी बंदे तो ही 33 नंबर पास नहीं हो सकते ते सानू कहंदे ने शिरक कर दी है इसने गाली हो गई जी सिवाय मोहम्मद वाले मोहम्मद दे अल्लाह दी कोई शान बयान कर नहीं सकता। सुने आप जितना चुप हो आपको पता ही नहीं मासूम फरमाते जिस वेले थोड़े दिल तकबर आवे ना बस अपनी पैदाइश सोच लो कि होई क्यों नहीं वाह 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 जलो अली से ना बाबू जी मैं क्या करा हूँ तुम दुआ देनी जे अल्लाह का मुनकर हलाली हो सकता रहमतुल आलमीन का मुनकर हलाली हो सकता रसूल फरमाया या अली तेरे वास्ते शर्त तेरा मुनकर हरामी हो सकता
जलो वाली सेना हुक्म है, मैं हुक्म की तामील कर रहे हैं। हमारी अर्जी है खुदा की मर्जी में, अली की मर्जी है जलो वाली सेना, हमारी अर्जी है खुदा की मर्जी में, अली की मर्जी है। क्या करिए इस कसीदे तो बड़े बड़े बंदे ने शजरे सामने आ गए सी, तुझे खाली सिरे ला रहे हो। मैं छे परचे ले बैठे तुझे खाली सिरे लाने क्या बात है। किस किस को रोकोगे तू, तंग ना करो। पिछला स्पीकर नहीं चल रहा, बुजुर्ग कह रहे हैं तेरी आवाज नहीं आ रही। आ वेखो इनी जान चो किन्नी को आ जाएगी। किस किस को रोकोगे तू, तंग ना करो। अहले मिला से हरगिज तुम ना लड़ो, जान हथेली पर लेकर निकले, मौत से डरना हमने कहा, कफन बदन पे ये विला की वर्दी है, खुदा की मर्जी में अली की मर्जी है जलो अली से। सोना हिस्सा हो गया, मालिक पाक सलामत रखे, तो पाक भी अपने जमान च रखे सत्तवरकन मसाहिब, ताकि मजलिस मुकम्मल हो जाए। मेरे बाद मुल्क पाकिस्तान का बहुत बड़ा नाम मसाहिब के हवाले, जिमें हर बंदा मसाहिब नहीं पढ़ सकता, इवें हर बंदा फजाइल भी नहीं पढ़ सकता। बंदे ढेर बैठे होंगे, कोई हाय कह लवे कोई ना कवे, जेडे घरों टुर के धीए के नाल आयो, कम अज कम सिर्फ एक बार सोचना, जिन का तस्करा कर रहे ना, मां पुत्रा दे जोड़े जन्नत तो मंगवादी है, जिजा उजड़े अंत धीए की भी कबर एक जगह। बाबू जी मैंने खुद आंसू ना, मैं मसाइब नहीं पढ़ता, मैंने अपने आप को जाकर कहना ना कहलवानी, मैं मिन्नत करदा। अगर किसी को नहीं आया, मैं कभी भी नहीं आख्या हाय करो, झीका सिर करो, गुनाह की माफ़ी मंगो, कंड करके बैठो, तुम आगे थोड़ा व्डा एहसान है। एक कोई बंद पढ़ागा मजलिस मुकम्मल हो जाए, अगर तुम रल गए तो अगर कृपा सही। कोई ऐसा घर नहीं जिथे मौत ना आई हो, लेकिन बाबा जी दस्तूर है जमाने का, जनाजे टुर जाते हैं पर्दादार रुक जाते हैं। अगर थोड़ी तवज्जो मरकूज रही तो फिर गल समझ आएगी, जनाजे टुर जाते हैं पर्दादार रुक जाते हैं। मेरे मामू जान शहीद मर थोड़े आना आंसू की कसम, बस एक गल करनी है, नवी दास जी सा शहीद मैंबर, उन्होंने दिया सत्त भैन, जिस वे मेरे नाल जन आशिक बी साहब का एक्सीडेंट हो ना, तो उन्होंने लाश घर लेके आए ने बाबू जी, उन्हें सत्त भैन तो उस कले बिरान ने भैन में बड़ा औखा जुदा किया, बड़ा भजन मुश्किल, मैं अंदर अज भी नहीं बोल सकता, बड़ा मुश्किल जुदा किया। जनाजा सारे चुक के बाहर लगे ना, ढेर बार आने कर दिए, लेकिन किसी पर्दादार बाहर नहीं आन देता, किसी रिश्तेदार रोक लिया, किसी अजीज ने रोक लिया, जनाजे टुर जाते हैं पर्दादार रुक जाते। मेरे मामू जान की सिर्फ एक ही बेटी, वो तबीयत अजे तक नहीं संभली, अज भी नहीं संभली, उन्हें प्यो अपनी अखों के सामने दुनिया तो जाता देखिया, सारे शहीदों का सुने है, इस शहीद का नजर आया सारे ने, बहू जी आप देख रही कि उसके प्यो उन्हें सारे दसिया कि मेरे बाबा को किसी ने गोली मार दी, अजे तक वो यही गल करती रही, वो तबीयत नहीं संभली। जनाजा चुकया मामू का जानते हैं, लेकिन असं उस धी भी अपनी पर्दे च बाहर नहीं आन दिता, जनाजे टुर जाते हैं पर्दादार रुक जाते हैं। सादात तो माफ़ी मांग के जुमला पढ़ रहे हैं, हो सकता इसको अगर पढ़ने की लड़ ही ना पवे, जो समझ आ जाए। करबला च हुसैन बादशाह ने दस्तूर बदल दिया, जनाजे पे रहे ने पर्दादार टुर गए, पढ़ो कुरबान जावे जी ना हर एक की समझ गए, बिरावां दी लाशां दे कोल इंज लगियां जिवें लगदे कुछ नहीं आ। बाबा जी हो सकता मैं फिर तुहाडी ज़ियारत ना कर सकां, मैं हर मजलिस अपनी जिंदगी की आखिरी समझ के पढ़ता सही। तुम जवारी से जाने जिस जवारी से जाते हो, कोई गलत नहीं याद आवे मिंबर से जवारी की गल करते, मैं झोली चाह के एक दुआ मंग रहे हैं, जिन्होंने आंसू की खरात नहीं मिली, सदा आमीन तुम आखना सही, जितने बैठे ये जो रो नहीं सके, मालिक उन्होंने इस साल मुसाफिर शाम अपना सजदा नसीब करे, मालिक धियों के नाल शाम जाओ, बेटी के नाल शाम जाओ, जिस वे सखी धी के नाल प्यो बाजारे शाम से पहला कदम रखे ना, तो प्यो धी के पास वेख के बेटा सिर तू चादर ला, चादर
मुद्दत तो पर्दा करने वाली पी उसके हाथ जोड़ के आखसी बाबा मैं मर सकती हाँ चादर नहीं ला सकती। एक बार सोचना जरूर जिदा बिरावा कद नहीं वेख्या जिस मदीना कभी बारों भी नहीं वेख्या। अच्छा दिल कर रहे वो बंद पढ़ा वो मसाइल थोड़े जे पढ़ दें जिस वास्ते मेरे मामू इस दुनिया तो गए जो शहीदा ही विलायत है सब तो पहले अली दी विलायत दी पहली शहीदा हिजाब अल्लाह उस बीवी का तस्करा कर रहे हैं जिदा को ना कोई भरा है ना कोई बहन है जरा दुख कर दिए बाबे नाल कर दिए। बाबा दुनिया तो टुर गया दरबार च भी गई जेहन च जिथे रही पईया इतने मेरा बाबा अपनी जा छोड़ के मैनू बिठाता है। मैं वो बंद तुम सुना लगा जिस बंद वास्ते मेरे मामू को शहादत नसीब हुई थी। बीबी आई है बाबा जी खलोती रही है हूँ हाय करो ना करो एक बार अपने जहन में जगा के सुनना खलोती तो मुहम्मद की धीरे ही ना थोड़े कुर्बान जावा सही मैं माफ़ कर देना। काफ़ी देर गुजरी है बीबी देख के चाचा समान इन्होंने आग मैं थक गई हाँ मैं सौखा पढ़ लिया बाबू जी मौला जी से मैंने सौखा सुनया एक लाइन तख्त बैठा देख के देखो प्यू का लिखा है हाथ निकलिया सनाद विखावन की ते ओ जिस दम शबीर दी मादा एक शिमर बिजा जिन्हें मार के कोड़ा हाथ तोड़ दी मैं माफी मांग के पढ़ूंगा जितने देर बंदे हो सकते मैं थोड़ी ज़ियारत ना कर सका बादशाह पता नहीं है ना है जिंदगी कितनी आगे सही है। बीबी वापस वाली ना दरबार तो मोहर वो पढ़े जी लाहौर वाली आकजादी तो मोहर लगाई मैं बीबी आई सीधी बाबे के रोजे थे बाबा जी कबर खुली है इवें रसूल ने इस्तकबाल किया लेकिन मेरी धी मेरे बाद किवें निकली पाई है अगर अंदर पत्थर का दिल नहीं है गोश के टुकड़ा है कबरे हुसैन है उस चाहना भी मुतमातम किया बाबे के पास हाथ जोड़ के दी बाबा क्या डसावा जबरे